बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट नाउ आर डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओशंस। इन लास्ट थ्री डेज वी डिस्कस अबाउट पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टू ओशन, दैट इज आर्टिक एंड एंटार्क्टिक ओशन। सो आई रिपीट क्वेश्चन 4। हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? गिव डिटेल्स ऑफ एनी टू ऑफ देम। Its answer is given on page number 46. Arctic Ocean. Let's start. Arctic Ocean is also known as the Arctic Sea. It is the great mass of water around the North Pole. North Pole में जो पानी का एक बहुत बड़ा मास है वो क्या कहलाता है? Arctic Ocean. It is a great mass of water around the North Pole and remains frozen for most of the years. Most of the year and therefore ordinary ships cannot navigate through it. तो सारा साल के ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो फ्रोजन में रहता है, यानी जमा रहता है पानी, बर्फ़ रहती है, तो इधर ऑर्डनरी शिप्स का आना ज़रा मुश्किल है। Toward the south, the three continents that touch in it are Asia, Europe and North America. South की तरफ अगर इस ocean, Arctic Ocean के south में जो है, क्योंकि ये North Pole है तो इसके सामने South Pole जो है वहां पे ये तीन कॉन्टिनेंट से इसका टच करता है। कौन कौन से? एशिया से, यूरोप से एंड नॉर्थ अमेरिका से। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द आर्टिक ओशन इज दैट द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड देयर। अच्छा जी, यहाँ पे जो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है वो है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल बताने का मकसद ये है कि आप अगर हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करती है। ऐसे ही है ना। तो इसकी इंटरेस्टिंग बात यह, आपने कभी ये चीज सोची कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही स्टे करती है, वहीं पे रुकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीन के अंदर जो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, हमेशा मैग्नेट अपने ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो जमीन के अंदर मैग्नेट है और जो हमारी अर्थ पर मैग्नेट होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, उसके नीचे जो है, उसके नॉर्थ पोल के नीचे है साउथ पोल हमारी अर्थ के मैग्नेट का। ठीक है, ऐसा है कि जो हमारे अर्थ के ऊपर मैग्नेट है उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको इस तरीके से नजर आता है, लेकिन हमारे जमीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, तो ये मैग्नेट जो है वो उस मैग्नेट को फॉलो करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा ऑपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका साउथ पोल उसके नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करता है और इसका साउथ उसके नॉर्थ से। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम देखते हैं। द नॉर्थ पोल्स ऑफ ऑल द मैग्नेट्स इन द वर्ल्ड पॉइंट टू दिस डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन इन द वर्ल्ड। तो इसी वजह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं नॉर्थ पोल की थ्रू। ऑल्सो द नॉर्थ स्टार ऑलवेज शाइन्स राइट अबव द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के राइट साइड पे हमेशा एक स्टार ब्राइट शाइन करता है एंड फॉर सेंचुरी काफी अरसे से एंड इट हैज हेल्प कार्वन्स फाइंड देयर वे एट राइट। रॉबर्ट एडविन पियरी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट इज यूजली बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द नॉर्थ पोल इन 1909। अच्छा, क्या है कि जैसे नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा शाइन करता है नॉर्थ पोल की राइट साइड पे बिल्कुल, तो क्या काफ़ी अरसे तक जो है ये बहुत मदद करता रहा कार्वन्स की। कार्वन्स मीन वो लोग जो एक्सप्लोरर हैं, जो जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों का ग्रुप है जो नए नए रास्ते तलाश करता था, तो ये उनकी बहुत हेल्प आउट करता था। इसके अलावा कहा जाता है कि रॉबर्ट एडविन पियरी जो है इसने पहली दफ़ा जो यूनाइटेड स्टेट्स से, रॉबर्ट एडविन पेरी जो है इसका ताल्लुक था यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम जो है वो 1909 में नॉर्थ पोल पे पहुंचा था। इसके बाद एंटार्कटिक ओशन देखेंगे। द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन मीट द एंटार्कटिक ओरिजिन नियर द साउथ पोल। साउथ पोल पे ये जो तीनों ओशन हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, ये आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं, ये जो इसको हम बोलते हैं जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं वो है एंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तीनों ओशन के पानी मिल जाता है।
The Antarctic Ocean is formed by junction of these three oceans. तो कहा जाए जा सकता है कि Antarctic Ocean जो है basically वो ये जो तीन junctions इनसे मिलकर बना है. It form a kind of a circle that surrounds the Antarctic continents and remain frozen for most of the year. यहाँ पे जो है आप कह लो कि एक सर्कल सा बन जाता है यानी कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द. ये भी आप मैप पे देख लो. यहाँ पे जो है यहाँ से आने वाला पानी इधर से इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन से आने वाला पानी एक सर्कल सा बन जाता है पानी का. ठीक है, तो ये क्या है, एंटार्कटिक ओशन. तो ज़्यादा टाइम पीरियड साउथ पोल है, जैसे नॉर्थ पोल में पानी फ्रोजन रहता है तो ज़्यादातर यहाँ पे भी फ्रोजन ही पानी मिलेगा. अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस ओशन इज़ द करंट व्हील. सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो इसका है करंट व्हील. करंट व्हील क्या है, करंट व्हील क्या है कि यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो इसको हम कहते हैं एंटार्कटिक गियर भी बोलते हैं. दिस इज अ क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज बाई वाटर रशिंग इन फ्रॉम द थ्री ग्रेट ओशंस. तो ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है. दोबारा मैप की तरफ आते हैं. तो ऐसा क्या है कि यहाँ से इंडियन ओशन से भी पानी आ रहा है, अटलांटिक ओशन से भी आ रहा है, पैसिफिक ओशन से भी आ रहा है. तो यहाँ पे आके पानी जो है वो सर्कुलेट करना लगता है. तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है. इसको हम करंट व्हील बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ओशन में करंट्स बनते हैं. लेट्स मार्क द आर्टिक एंड एंटार्कटिक ओशन. तो आर्टिक ओशंस हेडिंग दी. लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था ओशन की पहले आपने हेडिंग देनी है. पेज नंबर 45 एंड 46 में इसका आंसर कम्प्लीटली, फाइव ओशंस जो आ रहे हैं वो 45 और 46 में कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है, सो आई रिपीट अगेन, ओशंस की हेडिंग दी. देयर आर फाइव ओशन इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. दे आर द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्टिक एंड एंड द एंटार्क्टिक. Now the heading is the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is also known as the Arctic Sea. यहाँ से लेकर एंड नॉर्थ अमेरिका तक. फिर है Antarctic Ocean. ये complete है the Atlantic, Pacific and Indian Ocean से लेकर three great oceans तक. तो ये हमारे आज के दोनों oceans हैं, complete हुए हैं. तो आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, हमने आपको पता है डेली एक 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 वन बाय वन हमने ओशन कंप्लीट किए हैं. आज क्योंकि शॉर्ट थे तो मैंने दोनों आपको इकट्ठे करवा दिए हैं. ठीक है, अब एक दफ़ा आज हम पिछले तमाम ओशन को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखा था पैसिफिक ओशन. ठीक है, जो सबसे बड़ा ओशन था, लार्जेस्ट ओशन था वर्ल्ड का. ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यहाँ तक मार्क करवाया था. फिर आपने थर्ड लाइन से स्टार्ट करना था. द ओशन इज ओवल और एग शेप से लेकर ये है एंटार्क्टिक इन द साउथ. ठीक है, ये इसकी पोजीशन बताई हुई है कि इसके ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है. फिर आगे इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि द डीपेस्ट नॉन पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज नियर द फेल्पाइन से लेकर है ये शेप ऑफ इट्स कॉज तक. ठीक है, फिर उसके बाद फेमस हार्बर्स हैं इसके आइलैंड तक. देन हमने किया था अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन भी इस तरह से मार्क करना है, दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन से लेकर एंटार्क्टिक इन द साउथ और द शोर्स ऑफ दिस ओशन आर वेल कट. ठीक है, वेल कट के बाद आपने कॉमा लगा के यहाँ से स्टार्ट करना है. देयर फॉर स्टेब्लिशिंग अ पोर्ट ऑन दिस ओशन इज ईजियर. फिर आगे हम फेमस हार्बर्स इसकी बताएंगे, फेमस हार्बर्स अराउंड द ओशन से लेकर ब्राजील इन द वेस्ट तक. तो ये हमारा पैसिफिक मार्क करवाया और अटलांटिक मार्क करवा दिया. ठीक है, इसके बाद इंडियन ओशन है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन से लेकर टू पैराग्राफ इसके हैं कंप्लीट बैंकॉक थाईलैंड तक. देन आर्टिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन जो हमने आज किया है, आर्टिक ओशन का ये पैराग्राफ है. फर्स्ट द आर्टिक ओशन इज ऑल्सो नॉन एज से लेकर एंड नॉर्थ अमेरिका तक. फिर है एंटार्क्टिक ओशन, ये कंप्लीट है. ठीक है, तो आज मैंने ये फाइव ओशन इसलिए रिपीट मार्क करवाए हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि पहली क्वेश्चन उन्होंने हम उसका पार्ट पूछा है कि हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड. सो उस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपने जो है वो ओशन की हेडिंग दी और आपने उस पॉइंट का पहले पार्ट के क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर किया. देर आर फाइव ओशंस और आगे उसके नेम बताए द एंटार्क्टिक तक. ठीक है, देन उन्होंने आपसे आपकी ऑप्शन दी है कि आप इनमें से कोई से टू को डिस्कस करें. ठीक है, तो वो कोई सी टू की डिटेल बतानी है. तो फाइव ओशंस हैं तो इट्स योर ऑन चॉइस कि आपको मैंने फाइव ओशंस करवा दी हैं, आप
अपनी मर्जी से इनमें से कोई से भी टू सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करें तो मैं आपको बेटर ऑप्शन आपकी ये होगी कि आप 5 ओशंस ही करें, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आप इनमें से कोई से टू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई से टू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3 जो मैंने मार्क करवाए हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर दें, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने ये पॉइंट्स आए हैं, जितने भी मैंने मार्क करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। MCQs में भी आ सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो अगर आप कोई से टू अगर इनमें से कर रहे हैं तो बाकी 3 को भी आपने केयरफुली देखना है लाजमी, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।